हुआ ऐसा कि हम लोग सिर्फ प्लेट लेके बैठ गए थे, तो हमारे पास ना पानी के लिए ग्लास था पीने के लिए और ना चम्मच लिया था, क्योंकि एक्सपीरियंस नया था तो ये सब आइडिया नहीं था। तो उनमें से कई लोगों ने देखा हमको, तो वैसे वो लोग यहाँ गुरुद्वारा के थे नहीं, वो भी वे हमारे जैसे यात्री ही थे, लेकिन वो जैसे उनका ख़त्म हुआ खाना पीना तो वो उठे, हमको उन्होंने ग्लास चम्मच वो भी दिया। प्लस एक दूसरा अनुभव मेरे साथ ये हुआ कि
ये जगह देखिए आप, मेन हाईवे पे ये गुरुद्वारा है। पूरी जगह देखिए, एकदम गार्डन और बाजू में पेट्रोल पंप, एकदम जोरदार जगह है ये। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये और काफ़ी अच्छा है। खाना हो गया सर? लंगर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। कितना नंबर, कितना और मिला इधर आके? कितना नंबर देंगे? दस। चलो, वाहेगुरु के खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सूरत से तकरीबन 90 किलोमीटर यानी कि भरूच के पास एक जगह है, वहाँ एक खूबसूरत सा गुरुद्वारा है। हम लोग थोड़े काम से एक्चुअली बड़ौदा गए थे, काम ऑफिस का था, लेकिन जगह देख के बहुत ही कब खुशी हुई और हुआ कि चलो एक जगह ऐसी है जहाँ भगवान का धाम है, चलो चलते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे किसी भी धर्म से आप हो, यहाँ आपको दिल से वेलकम मिलेगा। यहाँ जैसे अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में लंगर लगता है, यहाँ पे भी एक मस्त लंगर का आयोजन दिया। कितने भी आदमी हो, चाहे 1000 हो, 1500 हो, 2000, आपके साथ में कितने भी आदमी हो, आप यहाँ से भूखे पेट तो वापस नहीं जाओगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ जगह, आप देखिए मेरे पीछे ये जो जगह है, यहाँ पे मशीन के अंदर ऑटोमेटिक रोटी वगैरह बनती है और ये गुरुद्वारा है। देखिए ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये जगह है जहाँ पे मशीन के अंदर ऑटोमेटिक रोटियाँ वगैरह बनती है। अभी हम आने में थोड़ा हमारा लेट हो गया है, इस वजह से हम लोग वो आपको दिखा नहीं सकते। अभी मैंने पूछा था यहाँ पे, वो शाम को अभी 6-6:30 के बाद में वापस चालू होगा, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट खाने का टाइम भी ओवर हो चुका है और हम भी लेट थे, तो क्या कर सकते हैं। ये पूरी जगह देखिए आप, कैसा रहा? बढ़िया, बहुत सुकून मिला। फर्स्ट टाइम ये जगह देखा मैंने भी, वैसे कई बार मैं यहाँ से आता हूँ और कई बार मैंने ये देखा भी है, लेकिन अंदर कभी गया नहीं था। आज बस एक दिल से हुआ कि अंदर जाके देखते हैं क्या है, और हम आ गए अंदर और देखा तो यहाँ पर एकदम खूबसूरत व्यवस्था थी, लोग भी काफ़ी मिलनसार थे। ये देखिए सब,
जैसे मैंने आपको अभी आगे बताया कि ये लोग यहाँ के बहुत ही मिलनसार है। ये एक पर्सनली जिसको बोलते हैं ना अनुभव, वही मेरे साथ अभी हुआ। मैं जैसे ही गुरुद्वारे के अंदर एंटर हुआ तो माफ़ करना एक चीज़ भूल गया था कि भाई यहाँ पे खुले सर पे एंट्री नहीं है, तो हम लोग वैसे ही अंदर चले गए। तो इन लोगों ने हमको ज़रा प्रेम से समझाए, वैसे हमको बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई आप ये खुले सर से अंदर एंट्री नहीं कर सकते, और आप अंदर अपना कोई हैंड करचीफ हो या फिर आप वहाँ पे साइड में थोड़ा रखा हुआ था भाई जो कपड़े बोलते हैं गुरुद्वारा में अपने सर ढकने के लिए वो रखे हुए थे, उन्होंने हमको वो भी दिया, लेकिन हमारे पास था तो हमने वो सर पे पहन लिया। दूसरा एक और बात था कि चलो हम लोग लंगर पे बैठ तो गए थे, लेकिन हुआ ऐसा कि हम लोग सिर्फ प्लेट लेके बैठ गए थे, तो हमारे पास ना पानी के लिए ग्लास था पीने के लिए और ना चम्मच लिया था, क्योंकि एक्सपीरियंस नया था तो ये सब आइडिया नहीं था। तो उनमें से कई लोगों ने देखा हमको, तो वैसे वो लोग यहाँ गुरुद्वारा के थे नहीं, वो भी वे हमारे जैसे यात्री ही थे, लेकिन वो जैसे उनका ख़त्म हुआ खाना पीना तो वो उठे, हमको उन्होंने ग्लास चम्मच वो भी दिया। प्लस एक दूसरा अनुभव मेरे साथ ये हुआ कि जैसे मैंने खाना खा लिया तो प्लेट लेके जैसे मैंने देखा कि सब लोग अपने अपने प्लेट खुद वॉश कर रहे थे, तो मैं भी गया कि भाई चलो ये जो है परंपरा है अपना भी वो करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, तो मैं भी गया। लेकिन वहाँ से एक ट्रक ड्राइवर साहब थे, उन्होंने मुझे देखा तो एकदम दौड़ के मेरे पास आ गए और बोला कि नहीं नहीं आप मत करिए, ये मैं कर लेता हूँ। मैंने उनको रिक्वेस्ट की नहीं नहीं मुझे करने दीजिए, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे से ये सब ले लिया मेरे हाथ से प्लेट वगैरह, उन्होंने खुद साफ किया, तो वो सही में मेरे दिल को छू गया। तो है आज के टाइम में भी बंदे और सही में एक दिल को छूने वाली बात थी, इट्स गुड थम्स अप। ये गुरुद्वारा के पीछे की जगह है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हर एक चीज एकदम बारीकी से यहाँ पे माने हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है कि यहाँ आने वाले यात्री या फिर मोस्टली मैंने देखा है कि यहाँ पे ज़्यादातर दोपहर के टाइम में ट्रक ड्राइवर जाता आते हैं, लेकिन वो भी इंसान है यार, और उनको भी इन लोगों ने जो खाना खिलाया है लंगर में एकदम प्यार से। लोग जितने भी यहाँ आते हैं एकदम यार क्या बोलूँ मैं, एकदम मेरे को अच्छा इतना अच्छा लगा कि पूछो मत यार। हर लोग जो भी आते हैं लंगर खाने से पहले अपनी एक फर्ज समझो, धर्म समझो, अपना खुद के अंदर से कार्य करने की इच्छा समझो, जो भी है पहले सेवा में लग जाते हैं, उसके बाद ही ये लोग आगे लंगर में खाने में। वाहेगुरु जी की दजा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।